नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं ओरल कैविटी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एनाटॉमी था, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, लेबलिंग डायग्राम बनाया था। आज डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पहला पार्ट है ओरल कैविटी, उसके अंदर जो टीथ है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा ओवरऑल ओरल कैविटी के अंदर क्या-क्या चीजें हैं, कहाँ-कहाँ हैं, उन सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर टीथ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो माउथ, माउथ हो गया आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम में बनाया था, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में बनाया था इसे, ठीक है। इसमें ये वाला हिस्सा जो है इसे हम माउथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माउथ, ठीक है। तो माउथ के अंदर आता है आपका ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, इसे बुकाल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। ओरल कैविटी मतलब माउथ के अंदर जो होलो प्लेस है, जो स्पेस है, उसी को हम ओरल कैविटी बोलते हैं। जो ओरल कैविटी आपका है ये बाउंडेड या फिर कवर हुआ है मसल से और बोन से। बोन कौन सा है? जो ऊपर वाला जो जबड़ा है हमारा, ऊपर वाला जो जबड़ा, जो फिक्स जबड़ा होता है ऊपर वाला, ये है, इसे बोलते हैं मैक्सिला, ठीक है। और नीचे वाला जो जबड़ा है, जो फ्लेक्सिबल है, इसे चबाने से ऊपर नीचे होता है ना, इसी को बोलते हैं मेंडिबल। तो मेंडिबल बोन जो है, ये जो जो है, ये जो लोअर जो, अपर जो को हम मैक्सिला बोलते हैं, लोअर जो को हम मेंडिबल बोलते हैं, ठीक है। लोअर जो हमारा फंक्शन करता है ऊपर नीचे चबाने से या फिर बात करने से, ये ऊपर नीचे होता है, या ऊपर वाला हिस्सा इसे ऊपर नीचे होता है, ये तो फिक्स है ना स्कल से, ये फिक्स है। और नीचे वाला जो हिस्सा है ये फ्लेक्सिबल है, ये प्रोसेस से, ये मेंडिबल बोन जो है, ये मेंडिबल बोन कहलाता है, ये एक प्रोसेस से हमेशा काम करता है, ठीक है। तो माउथ के अंदर आ गया आपका ओरल कैविटी आ गया। ओरल कैविटी में आपका लिप्स रहेगा, होंठ, ये भी माउथ के अंदर ही आएगा, ठीक है। नंबर थ्री क्या है? टंग। टंग जो है, ठीक है, जो जुबान जो है इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा, ये भी माउथ के अंदर ही आएगा। तो ओरल कैविटी माउथ के अंदर, ओरल कैविटी है, लिप्स एंड टंग ये भी माउथ के अंदर ही आते हैं, लिप्स एंड टंग माउथ के अंदर। और माउथ के अंदर कुछ ग्लांड्स रहते हैं, ग्लांड्स, ठीक है। ग्लांड्स बहुत सारे हैं, ठीक है। ग्लांड्स के बारे में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, जब मैं एंजाइम्स का या फिर हॉर्मोन का जब मैं एक्शंस और रिएक्शन समझाऊंगा तो ग्लांड्स के बारे में पूरा समझाऊंगा। ये एक बहुत वास्ट चैप्टर है। जो ग्लांड्स से ओरल कैविटी के अंदर या फिर ओरल कैविटी या फिर माउथ, उसके अंदर ग्लांड्स भी हैं, सेलिवरी ग्लांड्स बोलते हैं। सेलिवरी ग्लांड्स थ्री पेयर्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये जो ग्लांड्स है ये है सेलिवरी ग्लांड, थोड़ा सा समझा लेता हूं, सेलिवरी ग्लांड्स, ठीक है। ये जो सेलिवरी ग्लांड्स है ये थ्री पेयर्स में डिवाइड किया है। पेयर्स क्यों? दो दो साइट में एक एक ग्लैंड है। तो सेलिवरी ग्लैंड्स थ्री पेयर्स हैं, ये वाला बस दिमाग में रखिए, जब मैं समझाऊंगा डिटेल में समझाऊंगा। थ्री पेयर्स हैं। वन पेयर क्या है? पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड्स वन पेयर मतलब बोथ साइड है पैरोटिड ग्लैंड्स। दूसरा क्या है? सबमेंडिबल ग्लैंड्स। सबमेंडिबल ग्लैंड्स पहला है पैरोटिड ग्लैंड्स, दूसरा है सबमेंडिबल ग्लांस, पेयर ऑफ, ठीक है, ये दो दो हैं। और तीसरा क्या है? सबलिंगुअल ग्लांड। सबलिंगुअल ग्लांड तो सबमैक्सिलरी ग्लांड, सबलिंगुअल सबमेंडिबल ग्लांस एंड सबलिंगुअल ग्लांस, ये दो दो पेयर है, मतलब टोटल कितने हुए? सिक्स नंबर, सिक्स नंबर्स ऑफ सेलिवरी ग्लांस, या फिर थ्री पेयर ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द माउथ रीजन या फिर ओरल कैविटी के अंदर ये लोग आएंगे, ठीक है। कैविटी के अंदर नहीं, मतलब ये माउथ के अंदर ही आएंगे, ठीक है। तो ग्लैंड्स के बारे में डिटेल में बाद में मैं समझाऊंगा, बस इतना ही। माउथ में आएगा ओरल कैविटी, लिप्स, टंग, ग्लैंड्स। इसमें और एक चीज है टीथ। टीथ के अंदर बहुत सारे चीजें हैं, जैसे गम्स हुआ, टीथ के अंदर, गम्स में भी टीथ के अंदर ही आएगा। तो इसी टीथ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये बस ओवरऑल थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया कि माउथ के अंदर क्या क्या
ऑर्गन से क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, मैं अभी इसे साफ कर देता हूं। तो ये हो गया आपका ब्रीफ डिस्कशन। ठीक है, अभी हम टीथ के बारे में, आज का चैप्टर रहेगा टीथ, दांत क्या है, ये कैसे बनता है, कब बनता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो टीथ, तो जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर बच्चे बोलते हैं ना, एक थप्पड़ लगाऊंगा 32 गिरा दूंगा, 32 मतलब एक एडल्ट के पास 32 नंबर्स ऑफ टीथ होते हैं। कितने? 32 नंबर्स ऑफ टीथ होते हैं एक एडल्ट के पास। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना, थप्पड़ लगाऊंगा तो 32 गिरा दूंगा, 32 मतलब 32 टीथ। ठीक है, लेकिन ये 32 टीथ एक एडल्ट के पास रहता है, लेकिन एक बेबी के पास, छोटा बच्चा बेबी, ठीक है, एक बेबी के पास जो 33 मंथ से कम होगा, ये 33 मंथ से कम है। ठीक है, लेस देन 33 मंथ, जो बच्चा 33 मंथ से कम होगा उसके पास 20 डेसिडुअस टूथ बोलते हैं उसे। ठीक है, मैं डिटेल में जो समझाऊंगा समझा दूंगा। तो एडल्ट के पास 32 टीथ होते हैं, तो एडल्ट मतलब कितना, ये 32 जो होगा ये एज ऑफ 21, 21 साल में 32 टूथ आ जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी ये इम्प्रॉपर मेटाबॉलिज्म के वजह से कभी कभी 21 के बजाय 35 में भी थर्ड मोलर, या फिर हम उसे विजडम टूथ भी बोल सकते हैं, जो 35-36 तक भी लोगों के पास दिखाई देता है कि हमारा जो दांत है ये अभी दांत उग रहा है, तो उसे विजडम टूथ बोलते हैं, या फिर थर्ड मोलर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला कब आएगा ये कुछ सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन 21 साल के अंदर ये सब आ जाना चाहिए। कभी कभी ये लेट भी होता है, किसका बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसी के हिसाब से ये कभी बहुत जल्दी आ जाता है, 21 में भी आ जाते हैं, 30 में भी आते हैं, या फिर एबोव 30 में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो टीथ को हम जनरली दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो एक है डेसिडुअस टीथ, डेसिडुअस या फिर इसे टेम्पोरारी भी बोलते हैं, टेम्पोरारी टीथ भी बोलते हैं, या फिर इसे मिल्क टीथ भी बोलते हैं, मिल्क टीथ। ठीक है, तो डेसिडुअस टीथ, टेम्पोरारी टीथ या फिर मिल्क टीथ भी बोलते हैं। मिल्क टीथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चे दूध पीता दांत, तो ये टूटता है, ये परमानेंट टूथ नहीं है कि ये पूरा मतलब 50 साल 40 साल या फिर ये पूरा फिक्स होके वहां पे रहेगा, ये टूट जाएगा। कब? विद इन 33 मंथ्स के अंदर ये टूट जाएगा, इसलिए इसे डेसिडुअस टीथ बोलते हैं या फिर टेम्पररी टीथ बोलते हैं। ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। तो टीथ दूसरा पार्ट क्या है, परमानेंट टूथ। ठीक है, जो ये जो परमानेंट टीथ है ये फिक्स्ड है, ये टूटता नहीं। हाँ, टूटता नहीं मतलब क्या, मालूम हथौड़ी से वार करेंगे टूटेगा नहीं, या फिर एक्सीडेंट हो गया कहीं पे, या फिर कुछ डिजीज हो गया तो दांत टूट जाता है, लेकिन नॉर्मली ये टूटता नहीं, ये डेसिडुअस नहीं है, ये परमानेंट टूथ है। ठीक है, तो ये वाला याद रख लीजिए, टीथ जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है टेम्पररी टीथ, दूसरा है परमानेंट टीथ। टेम्पररी टीथ कितने हैं, 20 नंबर्स होते हैं, परमानेंट टीथ कितने हैं, 32 इन नंबर्स होते हैं। ये वाला याद रखिए, बेबीज में 20 नंबर्स होते हैं और परमानेंट एडल्ट में 32 नंबर्स होते हैं। अच्छा, ये जो 20 नंबर्स हैं, कौन कौन से टीथ जो हैं ये 20 नंबर्स बने हैं, या फिर ये 32 जो हैं ये तो सब हैं,
कैनाइन से लेके पूरा मोलार तक ये सब है, लेकिन ये सब नहीं है, कुछ एब्सेंट है यहां पे, इसलिए 12 एब्सेंट है। कौन सा एब्सेंट है ये भी मैं समझाऊंगा। तो पहले ये वाला चीज याद रख लीजिए, मैं इसे अभी साफ करने वाला हूं, ठीक है। तो 20 है बच्चों में दिखाई देते हैं। हाँ, और एक चीज, 6 मंथ से लेकर, लेकिन ये डिफर करता है, ठीक है, ये 6 मंथ फिक्स नहीं है, किसी का 7 महीना हो सकता है, किसी का 8 महीना हो सकता है, कुछ बच्चों का ऐसे कैल्शियम डेफिशिएंसी देखने को मिलता है तो उनके पास 8 महीना या फिर 9 महीने में भी दांत उगने लगते हैं, थोड़े थोड़े अपर या लोअर जॉब में पहले दांत उगने लगते हैं, इस 20 टेम्पररी टूथ में से एक एक करके उगने लगते हैं, ठीक है। तो 6 महीने हम मिनिमम लेते हैं, 6 महीने से लेके 33 मंथ तक ये उगते ही इरप्ट होते रहते हैं, उगते रहते हैं, ठीक है। 20 है ये जो है 7 ईयर से लेके आपका 21 ईयर्स तक, 7 साल से 21 साल उम्र तक आपका परमानेंट टूथ इरप्ट होता रहेगा या फिर उगता रहेगा, उसके बाद टूथ उगना जो है, इरप्ट होना ये बंद हो जाएगा। इसे मैं अभी साफ कर देता हूं। तो टीथ को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक है टेम्पररी, दूसरा है परमानेंट। टेम्पररी टूथ क्यों बोलते हैं हम उसे, क्योंकि टेम्पररी टूथ जो है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो वो वाला टूथ हमें देखने को नहीं मिलता, वो फिक्स नहीं है, टेम्पररी, ठीक है। तो टीथ क्या है, टीथ को पहले नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो पहला है केनाइन, केनाइन, दूसरा है, सॉरी मैं पहले केनाइन से शुरू कर दिया, पहला है इंसिजर, इंसिजर्स, केनाइन्स, दूसरा, थर्ड है प्रीमोलार्स, नंबर 4 मोलार्स। एडोल्ट के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंसिजर्स कितने हैं, इंसिजर्स कहां पे हैं, सपोज यहां पे छोटा सा मैं ड्राइंग करता हूं, छोटा सा समझाने के लिए, ये देखिए, ये सपोज ये है अपर जो, ये है लोअर जो, नाक के नीचे ये वाला हिस्सा, सपोज आपका नाक हो गया, नाक के नीचे यहां पे जो सामने 2 दांत ऐसे देखने को मिलते हैं, इस तरह के दांत हैं सामने, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे दांत देखने को मिलते हैं। तो ये वाला जो दांत है ये पूरा इसे फ्लैट रहेगा, इसे हम क्या बोलते हैं, इंसिजर्स, ठीक है। इंसिजर यहां पे देखने को मिलते हैं ऊपर, सपोज ऊपर यहां पे बच्चों का पहले जो है इरप्ट होता है, इंसिजर पहले बच्चों का इरप्ट होता है, पहले इंसिजर ये वाला हिस्सा ऐसे 1 2 3 4, नीचे भी 1 2 3 4, तो ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो इंसिजर्स ऊपर भी 4 हैं नीचे भी 4 हैं, ये पहले उगते हैं बच्चों में, ठीक है, 6 या 7 महीने में ये देखने को मिलते हैं, इरप्ट होने लगते हैं, पहले अपर जो फिर लोअर जो में ये इरप्ट होते हैं। एट ए टाइम अपर जो या लोअर जो में टीथ कभी इरप्ट नहीं होता, ठीक है, पहले अपर जो में इरप्ट होता है फिर धीरे धीरे करके लोअर जो में इरप्ट होता है, ठीक है। तो इंसिजर हो गया 4, ऊपर 4 नीचे 4, ये हो गया आपका इंसिजर। इसका काम क्या है, सपोज ये नंबर, नंबर्स कितने हैं इंसिजर्स, 8, अपर जो में 4 लोअर जो में 4, 8 हो गया। फिर आ गया हमारा केनाइन, जो सबसे शार्प वाला टीथ होता है ना यार, ऊपर से 4 दांत, 4 दांत बीच में रख दीजिए, ठीक है, उसके बाद जो लेफ्ट एंड राइट दोनों हैं इस तरह के, ऐसे राक्षस में देखने को मिलता है, राक्षस, ठीक है, वैम्पायर्स में ये वाला देखने को मिलता है। मैं ऐसे दांत बनाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला पूरा डायन जैसे दिखता है, ये देखिए, ये देखिए, इंसान का ऐसे देखने को नहीं मिलता ज्यादातर, ये वैम्पायर्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये बहुत शार्प है केनाइन, इसका काम जब बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये इतना राक्षस जैसे क्यों दिखता है, इसका काम क्या है,
वो पहले मैं बात वो बात मैं समझाऊंगा। तो कैनाइन जो है चार इंसिजन जाने के बाद चार कैनाइंस देखने को मिलते हैं। कैनाइंस कितने हैं? चार। लोअर जो में दो, अपर जो में दो, ये हो गया आपका कैनाइन। ये चार कैनाइंस है, यह है इंसिजर्स, यह है इंसिजर, ये भी चार है। इंसिजर गया और कैनाइन गया। अभी प्रीमोलार्स देखते हैं। प्रीमोलार्स कितने हैं? एट नंबर्स होते हैं प्रीमोलार्स। ऊपर कितने हैं? अपर जो में चार, ऐसे एक दो, अपर जो में ऐसे ऐसे, देखिए अपर जो में चार, लोअर जो में चार, टोटल हो गया आठ। यह है प्रीमोलार। इसका काम भी मैं समझाऊंगा। ऊपर कैनाइन के बाद आ गया, इस तरह भी दो, ऊपर भी इस तरह, लेफ्ट साइड में दो, राइट साइड में दो, लेफ्ट राइट बोथ साइड में अगर देखेंगे, अपर जो में दो है, लोअर जो में लेफ्ट राइट, उसी तरह कैनाइन के साइड में दो दो चार, मतलब टोटल हो गया प्रीमोलर्स कितना? आठ। मोलार्स टोटल होते हैं 12। मोलार्स कितने हैं? 12। तो यहां पे मोलार्स इस तरह से एक दो तीन, लोअर जो में छह होते हैं, ये तीन तीन, अपर जो में भी उसी हिसाब से देखेंगे एक दो तीन, यहां पे भी उसी हिसाब से देखेंगे एक दो तीन। ये हो गया आपका मोलार, ये हो गया प्रीमोलार, ये हो गया मोलार, ये हो गया प्रीमोलार, मोलार प्रीमोलार, ये हो गया मोलार, ये हो गया प्रीमोलार। तो मोलार्स कितने हैं? मोलार्स जो हैं सबसे बड़े दांत होते हैं और वो अपर या लोअर जो में पूरा कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं, पूरा लास्ट में, इसे उंगली घुसाने से भी मालूम पड़ जाएगा, पूरा लास्ट में जो बड़े बड़े दांत होते हैं उसे मोलार्स बोलते हैं। लास्ट से कितने? लास्ट से तीन, इस तरफ तीन, इस तरफ तीन, छह हो गया। फिर नीचे नीचे वाला जो जबड़ा है, इस तरफ तीन, इस तरफ तीन, छह हो गया। टोटल कितने हो गए? 12। अगर हम इन सबको प्लस करेंगे, सबको अगर हम प्लस करते हैं 20, ये 12 कितना हो गया? 32। एक थप्पड़ लगाऊंगा 32, 32 ही गिरा दूंगा, तो इसीलिए 32 ही बोला जाता है। 8 इंसिजर्स, 4 कैनाइन, प्रीमोलार्स 8, मोलार्स 12, टोटल हो गए 32 नंबर्स। ये जो 32 नंबर्स, ये परमानेंट टूथ, ये गिरने वाले नहीं है। ये जब तक आपका कुछ रास्ते पे एक्सीडेंट नहीं होता या फिर कुछ डिजीज नहीं होता आपको, तो ये गिरने वाले नहीं है, ठीक है। नेचुरली ये गिरने वाला नहीं है, 70-80 साल में गिरेंगे नेचुरली। हाँ, अगर एक्सीडेंटल कुछ हो रहा है तो ये गिर जाएंगे, ठीक है, कुछ डिजीज हुआ या फिर और कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, पॉइजन केस हो गया, तो ये वाला गिर जाएगा। इसे मैं साफ कर देता हूं अभी, इंसिजर कैनाइन प्रीमोलार मोलार। हाँ, साफ करने से पहले और एक चीज मैं समझाना चाहता हूं। तो बच्चों के केस में जो 20, यहां पे तो हो गया आपका 32, लेकिन बच्चों के केस में जो 20 दांत होते हैं वो कौन से दांत होते हैं? इतना याद रखिए, बच्चों में प्रीमोलार्स देखने को नहीं मिलता, ठीक है, बच्चों में प्रीमोलार्स देखने को नहीं मिलता, और मोलार्स थर्ड मोलार्स देखने को नहीं मिलता। ये जो थर्ड मोलार्स, ठीक है, मतलब मोलार्स 8 देखने को मिलते हैं। यहां पे मोलार्स कितने देखने को मिलेंगे? बच्चों के केस में 8 देखने को मिलेंगे मोलार्स। तो इन केस ऑफ ए बेबी, बेबी के केस में इंसिजर्स, इंसिजर्स 4, ऊपर 4, नीचे 4, इंसिजर्स 8 देखने को मिलेंगे। बेबीज के केस में कैनाइन 4 देखने को, लेकिन ये सब टूट जाएंगे, ये सब टूट जाएंगे 6 साल के अंदर, ये सब गिर जाएंगे, फिर परमानेंट इंसिजर, परमानेंट कैनाइन विल बी रिप्लेस्ड इन दैट प्लेस। जहां से टूथ गिरते हैं वहीं पर रिप्लेस होते हैं परमानेंट टूथ। 6-7 साल में ही शुरू हो जाता है इरप्ट होना, परमानेंट टूथ। तो कैनाइन गया। अभी प्रीमोलार्स, प्रीमोलार्स देखने को बच्चों के केस में नहीं मिलता। मोलार, मोलार्स फर्स्ट देखने को मिलता है और मोलार्स सेकेंड मोलार देखने को मिलता है। मोलार्स फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट हो गया मतलब 4, फर्स्ट मोलार मतलब अपर जो में आपका फर्स्ट मोलार, सेकेंड मोलार, थर्ड मोलार, 3 मोलार्स होते हैं, ठीक है,
मोलर, फर्स्ट सेकंड था, तो अपर जो में फर्स्ट मोलर सेकंड मोलर एक साइड में, दूसरे साइड में भी फर्स्ट मोलर सेकंड मोलर बच्चों के केस में, तो ऊपर ऊपर वाला जो जबड़ा है अपर जो है उस उसमें चार मोलर देखने को मिलेंगे टोटल करेंगे तो बच्चों के जो में ऊपर चार नीचे चार, तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया इन दोनों को मिलाएंगे तो आठ मोलर देखने को मिलेंगे कुल मिला के, अगर सबको प्लस करेंगे हम और ये वाला टोटल कितना हुआ 20, 8, 8, 16, 4, 20. इसीलिए डेसिडुअस टूथ या फिर टेम्पोररी टूथ 20 लिखा जाता है. ज्यादातर बच्चों में कौन सा टीथ देखने को नहीं मिलता, याद रखिए ये प्रीमोलर है. ठीक है, अभी मैं इसे साफ कर देता हूं. तो एडल्ट में और बेबीज में कितने सारे टीथ देखने को मिलते हैं और इन टीथ को क्या क्या बोलते हैं, मैं अभी समझाऊंगा. इसे साफ कर देता हूं मैं अभी, ये पूरा भर गया है जगह. ये साफ करने के लिए भी बहुत टाइम जाता है. चलो ठीक है, अच्छा अभी देखते हैं इन टीथ का और क्या काम है. इंसिजर, सामने जो चार चार ऊपर चार नीचे चार हैं, ये जो दांत है ये किसके लिए काम आते हैं, किसी भी चीज को अगर हम काटना चाहते हैं, कटिंग काटना चाहते हैं, ऐसे एक रस्सी थोड़ा सा एक थ्रेड हुआ उसे ऐसे काटेंगे, दांत से ऐसे काटेंगे, कौन सा टीथ इस्तेमाल करते हैं, आगे वाला टीथ या मोलार यूज करेंगे. मोलार यूज करेंगे क्या, एक छोटा सा धागा है उसे काटने के लिए हम इंसिजर का इस्तेमाल करेंगे या फिर केनाइन का, केनाइन का नहीं सिर्फ इंसिजर, इसे बोलते हैं कटिंग टूथ. क्यों, ये कटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसलिए इसे कटिंग टूथ भी बोलते हैं. केनाइन ज्यादातर वाइल्ड एनिमल्स में केनाइन देखने को मिलता है क्योंकि उन्हें शिकार करना पड़ता है. कार्निवरस जो होते हैं, कार्निवर जो होते हैं उनके केस में केनाइन बहुत शार्प होता है. कार्निवर मतलब जो मांसाहारी होते हैं, शेर हुआ या फिर लियोपार्ड हुआ, फॉक्स हुआ या फिर बियर हुआ, इन सब के पास केनाइन बहुत काम में आता है क्योंकि वो ये जो जानवर है ये कार्निवर हैं और ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये ज्यादातर शिकार करके ही अपना पेट भरते हैं. लेकिन ह्यूमन बींग में केनाइन देखने को मिलता है क्योंकि इंसान एक ऐसा जानवर है जो घास फूस भी खाता है, पत्ता भी खाता है और आदमियों को भी खा जाता है, इसलिए इसके पास केनाइन भी है और घास घूस खाने के लिए बाकी ग्राइंडिंग वगैरह मोलास फ्रीमोलास ये भी देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो केनाइन जो है इसे टेरिंग टूथ बोलते हैं. टेरिंग टूथ, टेरिंग मतलब फार देना, इसे फार के मांस जैसे खाते हैं ना, इसे पूरा फार फार के, जैसे यूट्यूब में आप लोग देखे होंगे कैसे चिकन खाते हैं इसे फार फार के, तो वहां पर केनाइन का इस्तेमाल होता है. प्रीमोलार के अंदर पूरा मांस को ऐसे घुसा के चबाने से वो कुछ नहीं होता, प्रीमोलार ऐसे फाड़ने के लिए काम में नहीं आता, वो ग्राइंडिंग टूथ है, वो ग्राइंड घिस के पूरा उसे पेस्ट कर लेगा. ठीक है, तो केनाइन जो है ये टीरिंग टूथ है, इसे फाड़ने के लिए काम में आता है, ऐसे कुछ शुगर कैन का इसे पकड़ के ऐसे पूरा फाड़ देंगे पूरा, तो केनाइन इस्तेमाल करते हैं हम लोग फाड़ने के लिए, इसलिए इसे टीरिंग टूथ भी बोलते हैं. प्रीमोलार्स मोलार्स इसको ग्राइंडिंग टूथ बोलते हैं, ग्राइंडिंग टूथ क्यों, ये पीसते हैं किसी भी चीज को, अगर हम चबाएंगे ऐसे ऐसे क्या ऐसे ऐसे क्या केनाइन में रख के या फिर इंसिजर में रख के ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे तो नहीं करते ना, तो अंदर घुसाते थे. पान खाते हैं क्या इंसिजर में पान खाएंगे ऐसे, या गुटखा खाते हैं जब लोग क्या केनाइन में गुटखा खाएंगे ऐसे, ऐसे तो नहीं खाएंगे, वो ग्राइंड करेगा, तो ग्राइंड कौन करेगा, प्रीमोलर मोलर. ठीक है, इसलिए इसे ग्राइंडिंग टूथ बोलते हैं. गुटखा खाइए, पान खाइए, कुछ भी बुरा चीज बिल्कुल मत खाइए, बस एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ये सब गंदी आदतें हैं. ठीक है, तो ग्राइंडिंग टूथ जो है प्रीमोलर मोलर अंदर घुसा कर चबाते रहेंगे ऐसे, कटिंग टूथ इंसिजर ऐसे काट देंगे, काट देंगे, और टियरिंग फाड़ के जैसे मांस केनाइन, बस खत्म हो गया. कटिंग, टियरिंग एंड ग्राइंडिंग टूथ, इसे मैं साफ कर देता हूं मैं अभी, तो इसका काम अभी खत्म हो गया. दांत तो दांत है और क्या जानना, बहुत कुछ है दांतों के अंदर जानने के लिए. ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को
बहुत सारे चीज समझ में आ गया होगा। तो फाइनली मैं और एक चीज, दांत का एक एनाटॉमी अभी बनाऊंगा, अच्छा होगा या बुरा होगा मुझे नहीं पता, फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं समझाने के लिए। एक बड़ा सा दांत बनाता हूं इसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे लेते हैं, फिर ऐसे करके ऐसे लेते हैं, यहां पे ऐसे ऐसे करके लेते हैं, बस ऐसे बना देते हैं। यहां पे एक पैसेज है, इसे ये कनाल है, रास्ता है, यहां पे इस रास्ते को मैं इसे बनाया हूं। इस रास्ते का काम क्या है मैं आपको समझाऊंगा। मैं इसे बना दिया बस। अच्छा, तो ये काम आपका खत्म हो गया। अभी इसमें लेबलिंग करेंगे क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं। दांत तो हो सकता है इतना अच्छा नहीं बना, फिर भी मैं बना दिया। बस लेबलिंग करने से आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा यहां पे क्या क्या चीजें हैं। तो पहला काम है दांत में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, सॉरी ये रेड वाला क्यों नहीं निकल रहा है, हाँ रेड वाला निकल गया। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है दांत का, इसे बोलते हैं क्राउन, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसे बोलते हैं क्राउन, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला हिस्सा जो है इसे क्या बोलते हैं, नेक, गर्दन होता है ये दांत का, ये गम होता है, गम, दांत जो धसा हुआ होता है ना गम्स में ही धसा हुआ होता है, और ये वाला हिस्सा जो है ये नेक है, और नेक से नीचे वाला ये वाला जो हिस्सा इसे बोलते हैं रूट। यहां पे एक छोटा सा होल है, ठीक है, ये वाला हिस्सा इसे बोलते हैं पल्प कैविटी, ये है टूथ कैनल, कैनल ऑफ टूथ, कैनल ऑफ टूथ, या फिर इसे रूट कैनल भी बोलते हैं, सॉरी फिर भी गलत लग गया, हाँ इसे रूट कैनल भी बोलते हैं। देखिए इसका काम क्या है मैं अभी समझा रहा हूं। दांत का जो ऊपर वाला हिस्सा है जो गम्स के ऊपर रहते हैं, यहां पे सपोज ये वाला आपका गम्स है, गम्स पता है ना, जबड़ा, जबड़े में दांत धसा हुआ होता है, एम्बेडेड हुआ होता है, अंदर घुसा हुआ होता है। तो जबड़े के ऊपर वाला हिस्सा जो है इसे हम क्या बोलते हैं, क्राउन, मतलब ताज। दांत भी वही ऊपर वाला हिस्सा जो हार्ड सब्सटेंस है, तो क्राउन क्या है, क्राउन एक सबसे हार्ड सब्सटेंस है, उसे एनामेल भी बोलते हैं, एनामेल दांत का ऊपर वाला हिस्सा। लेकिन ये जो पार्ट है आपका इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसे डेंटाइन। तो ये वाला जो हिस्सा है दांत का ऊपर वाला हिस्सा इसे बोलते हैं क्राउन ऑफ द टीथ, क्राउन मतलब ताज बोलते हैं, ये सबसे हार्ड हिस्सा है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट है बॉडी का, ये बोन से भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट से बनाया होता है एनामेल, इसलिए सबसे हार्ड है। तो क्राउन जो है ऊपर वाला हिस्सा है, और जो नैरो रीजन यहां पे देखने को मिलेगा, थोड़ा सा नैरो रीजन जो गम्स के अंदर धसा हुआ है, गम्स के अंदर जो धसा हुआ, ये जो नैरो वाला हिस्सा इसे बोलते हैं नेक, इसलिए इस पार्ट को मैं यहां पे लेबलिंग किया हूं, इसे लिखा हूं नेक। टूथ का ये वाला हिस्सा जो है ये नेक है, थोड़ा सा नैरो पार्ट है, ठीक है, इसे नेक बोलते हैं, और नेक से जो नीचे वाला हिस्सा है इसे क्या बोलते हैं, रूट, ये दांत का रूट कहलाता है। ये जो रूट वाला हिस्सा है ये पूरा बन के अंदर धसा हुआ होता है, ठीक है,
ये एम्बेडेड हुआ होता है, पूरा दांत जो है ना ये पूरा हड्डियों के अंदर धंसा हुआ होता है, रूट वाला हिस्सा ये दिखाई नहीं देता, ये अंदर रहता है। रूट के अंदर एक छोटा सा लाइन है, जैसे जैसे एक पैसेज है, एक रास्ता है, उसे कैनल बोलते हैं, रूट कैनल। तो रूट कैनल का काम क्या है, यहां पे बहुत सारे ऐसे ब्लड वेसल्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स यहां पे क्या क्या चीज देखने को मिलते हैं, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फाटिक वेसल्स, नर्व सेल्स, ठीक है। तो रूट के अंदर से पल्प कैविटी के पास दिखाई देते हैं ये चीज, पल्प कैविटी। यहां पे एक लेबलिंग में क्या हूं, पल्प कैविटी। तो पल्प कैविटी में क्या क्या चीज देखने को मिलते हैं, ब्लड वेसल्स, लिम्फाटिक वेसल्स, नर्व सेल्स। इसीलिए अगर हम जब कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, इसके बाद चाय पीते हैं, या फिर चाय पीने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो सेंसिटिविटी बढ़ जाता है ना, जैसे दांत में जैसे सनसनाहट पैदा होता है, वो जो सनसनाहट उसी को हम सेंसिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। ये सेंसिटिविटी इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि पल्प के पास हमारा नर्व सेल्स बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है। नर्व सेल ब्रेन को इंफॉर्मेशन दे देते हैं, यहां पे ऐसा कुछ चीज हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, इसलिए सेंसिटिविटी बढ़ रहा है। इसलिए गर्म, कुछ भी गर्म चीज खाने के बाद सडन ठंडा चीज नहीं खाना चाहिए, टूथ डिके हो जाता है, टूट जाता है, समझ में आ गया अभी। तो इसलिए सेंसिटिविटी बढ़ जाता है। तो डेंटाइन जो है ये कवर होकर रहता है, डेंटाइन ये वाला हिस्सा ये दांत के अंदर होता है, ये जो डेंटाइन है ये एनामेल से कवर हुआ होता है। एनामेल सबसे हार्ड वाला पार्ट है दांत का, ये वाला एनामेल, ठीक है। तो डेंटाइन यहां पे रहता है, यहां पे ऐसे डेंटाइन रहता है, यहां पे होता है पल्प कैविटी, नर्व, लिम्फाटिक वेसल्स, ब्लड जाएगा तभी तो ये जिंदा रहेगा, ये सब पैदा होता है, ठीक है। ये जो एनामेल से बनते हैं, एक मेटाबॉलिज्म है, एक प्रोसेसिंग यूनिट है जो दांत को बनाते हैं, वो भी एक बहुत वास्ट चैप्टर है। इसलिए ब्लड, लिम्फ एंड नर्व सप्लाई यहां पे है। अगर नर्व सप्लाई नहीं होगा तो एनामेल को इसे तोड़ के पूरा दांत में उखाड़ के फेंक देंगे तो भी दर्द नहीं होगा, इसलिए यहां पे नर्व सप्लाई भी दिया गया है। जो भी बनाया है वो सोच के कुछ बनाया है इन चीजों को, ठीक है। तो बस यही था ओवरऑल, जितना मुझे पता था मैं आपको समझा दिया, दांत क्या चीज है, कितने तरह के टाइप्स ऑफ टीथ हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, एनामेल क्या है, नेक, रूट, ब्लड, लिम्फ और नर्व सेल्स कहाँ पे सप्लाई होते हैं, कहाँ तक जाते हैं, पल्प कैविटी में देखने को मिलते हैं, रूट वाला हिस्सा जो है वो बोन में एम्बेडेड होके धसे हुए होते हैं, लोअर जो अपर जो में बोन के अंदर पूरा रूट को देखने को मिलेगा, रूट पूरा अंदर रहेगा, बाकी जो ऊपर वाला हिस्सा ये गम्स के ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, गम्स के ऊपर वाला हिस्सा जो है इसे हम क्राउन या फिर एनामेल बोलते हैं, जो कैल्शियम फास्फेट से बनाया हुआ होता है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी का ये, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट बुकल कैविटी में मैं जो भी आएगा मैं क्लास लूंगा, मैं सोच रहा हूं नेक्स्ट बुकल कैविटी में टंग के बारे में समझाऊंगा या फिर ग्लांस के बारे में, जो भी होगा समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।